एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरु मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा उन्हें सब कुछ मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है? वो जो भी करते हैं हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज़ को हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग बस मेरी तरह सपने देखते रहते हैं लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीज़ें और सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने ये सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरिए का होना बेहद आवश्यक है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं, जहाँ कोई रोग नहीं है, कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नज़दीक पहुँचने के लिए हमें वो करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें रोज खुद से ये प्रश्न करना चाहिए, क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं? क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इसी तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हो, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से ये सवाल पूछते रहना चाहिए, मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए, हमें अच्छे से ये पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पाँचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बड़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीज़ों या उचित शिक्षा की नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का है तो वह रास्ता अपने आप ही बना लेता है। हमें खुद को रोज ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियाँ क्या है, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदतें हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती हैं। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं तब वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हमारे सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज़ और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमज़ोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वही करना चाहिए जो जरूरी है, बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी ज़्यादा आसानी और अच्छे से हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है, यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे ही अपनाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल जाएगा जो हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम अपना मनचाहा उत्तर पा सकें, ये एक बहुत ही बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 आदतें अपनानी होगी। पहली, हमें अपने से जुड़े लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े लोगों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरा आदत, हमें सही को सही
और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठा आदत, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां, हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बने और वो हमारे काम के तरीके का अनुसरण कर सके। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है, हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सबका एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही तो है, इसलिए हमें इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें बुरी दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वालों से दूर रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी हमें मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती है, जो कि बाद में हमारी बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो पहले से ही उस काम में सफल हो चुके हैं या उस क्षेत्र के जानकार हैं, ना कि उस लोगों से जो असफल होकर लोगों के बीच उस काम के प्रति डर फैलाते रहते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमेशा चुप रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ करें। हमें बिना उनसे कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता का प्रयास करना चाहिए और उस ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद करने के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का भी दिल जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी टोकरी जैसे उपहारों से भी ज़्यादा अगर कुछ सामने वालों के लिए अच्छा होता है तो वो है हमारे अमृत उपहार। जैसे हमारे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद करना। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार देते हैं तब सामने वाले की उम्मीद ही ना हो तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हम जब किसी को उपहार देते हैं और जब सामने वाले को उम्मीद ना हो तो उस उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें उपहार देते समय थोड़ा साझा कर देना चाहिए। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऐसा करके हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और खुद को महत्वपूर्ण, उपयोगी, वो आवश्यक महसूस करते हैं और हमारे प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। हम दूसरों पर अपना सकारात्मक प्रभाव उसके मन और आत्मा को सही पोषण देकर आसानी से बना सकते हैं और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावे, कामयाबी, घर के सामानों आदि की सच्ची प्रशंसा करके और उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वो अपनी सफलता के बारे में बता रहे हो या फिर अपनी समस्या के बारे में, हमें उनको ध्यान से सुनना है, उन्हें अच्छा महसूस होगा इससे और ऐसा करके हम उनका विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नज़रों में प्रभावी और गंभीर बनाती है। हमारी हो रही बुराई इस बात का प्रतीक है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम पलटकर अपनी बुराई का जवाब नहीं देते तो हम उनके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय और तारीख मिले ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय भले ही कोई और लेता रहे, लेकिन सही समय हमारे काम का पुरस्कार दिलवा ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारे कामों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके और उन्हें बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। अगर हमारे अंदर करिश्मा है और हम जवान के पक्के हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करिश्मा एक दैव्य रूप से प्राप्त शक्ति को कहा जाता है, लेकिन आम जिंदगी में करिश्मा एक ऐसा व्यक्तिगत गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर अधिकार देता है। करिश्मा को केवल अपने अंदर के आध्यात्मिक यात्रा को करके ही पाया जा सकता है। कुछ नियम है जिनके द्वारा हम अपने करिश्मा को जागृत और कायम रख सकते हैं। हमें ध्यान और एकांत माध्यम से खुद को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अपने धन और ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हम पर हो, ना कि हमारे पहनावे पर। हम जो भी करें उसे पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमें और भी बेहतर बनाती हैं। अगर हमसे कोई सलाह लेता है तो हमें उनकी समस्या पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए उसे समाधान दिलवाना चाहिए। अगर हम अपनी बात और वादों पर खड़े उतरते हैं तो इससे हमें अपार सम्मान मिलता है और हमारा करिश्मा भी कायम रहता है। हम अपने छोटे छोटे वादे पूरे करके बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं तो उस निश्चित समय पर हमें उससे मिलना चाहिए। हमें अपने किए वादों को हर हाल में पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी समस्या या मजबूरी हमसे साझा की है तो हमें उसकी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करके हम सामने वालों का विश्वास जीतते हैं और साथ ही हमें अपने से जुड़े लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं।
इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए कि हमारे दोस्त एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या वो हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं? क्या वो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं? कहीं वो सिर्फ शिकायत करने वालों में से तो नहीं? नकारात्मक सोच रखने वाली पर हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमें नए और अच्छे लोगों से दोस्ती करने और संबंध बढ़ाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है। इसलिए हमें रोज अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले न केवल अपने लिए बल्कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी निर्माण करते हैं। जब हमें लगे कि हमारा सारा काम पूरा हो चुका है, तब हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए। उस काम में हुई गलतियों को कम करने के लिए ऐसा करने से हमारा काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि धन हम पर नियंत्रण ना करे। हमें अपने कमाए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है और मन की शांति बढ़ती है। हमें सफलता के शिखर तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए सफलता को कभी भी अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके। जिंदगी में सीखना बंद ना करें। हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चा हर उस चीज के बारे में जान लेता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हमें भविष्य के बारे में स्पष्टता से सोचने के लिए फिर से एक बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए, जो हमें समृद्ध बनाए, ऊपर उठाए, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें, और तब हम अपने सबसे अच्छे समय को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में कहीं स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीख हमें चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, जिसे पाना लोगों को संभव लगे, क्योंकि बिना लक्ष्य जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ऊर्जा है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतना ही ज्यादा हमारे अंदर ऊर्जा होगी अपने लक्ष्य को पूरा करने की। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, मुझे उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हें सफल होने के लिए क्या करना है। लड़का भी भिक्षु को धन्यवाद कर उसकी आज्ञा ले लेता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।